सिंध हाईकोर्ट ने कराची में वन वे की खिलाफ वर्जी पर एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, डीआईजी ट्रैफिक और दीगर से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। शहरी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया गया कि कराची में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर पुलिस चालान के बजाय एफआईआर काट रही है। दरख्वास्त में इस्तेदा की गई कि जो वन वे की खिलाफ वर्जी करता है इसके खिलाफ सिर्फ चालान काटा जाए। दौरान समाअत अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कौन से कानून में है कि चालान काटा जाए, इस कानून को बताया जाए जिस पर दर्ज है कि चालान काटा जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी आईजी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, डीआईजी ट्रैफिक दीगर को नोटिस जारी करते हुए फिलिपैन से 5 मार्च को मुकम्मल तफसीलात तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एडिशनल आईजी कराची और डीआईजी ट्रैफिक की जानिब से शहर कायद बेहंगम ट्रैफिक से बढ़ते हुए मसाइल पर काबू पाने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में सड़क पर गलत सिमत जाने वाले या वनवे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 279 और 341 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।